नमस्कार, मैं हूँ तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। मुंबई के एक अपार्टमेंट में 24 वर्षीय महिला फ्लाइट अटेंडेंट मृत पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान छत्तीसगढ़ की रहने वाली रूपल ओगरे के रूप में हुई है, जो एयर इंडिया में ट्रेनिंग के लिए अप्रैल में मुंबई आई थी। पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई थी, जिसके बाद 12 घंटों के भीतर ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी सोसाइटी में क्लीनिंग का काम करता है और उसके हाथ में भी चोट लगी है। आरोपी का नाम विक्रम अटवाल है, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है। हत्या की वजह क्या है अब तक सामने नहीं आई है, पूछताछ जारी है। साथ ही जहां पर ये घटना घटी है वहां भी पूछताछ जारी है। आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पत्नी महिला हाउस हेल्प से भी पूछताछ चल रही है। बता दें कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज कर लिया था और सड़क और सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। साथ ही पुलिस ने सोसाइटी के हाउस हेल्पर को भी हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि महिला अपनी बहन और उसके पुरुष मित्र के साथ फ्लैट में रहती थी, लेकिन 8 दिन पहले ही दोनों ही अपने अपने घर चले गए थे। पुलिस ने उन्हें घटना की सूचना दे दी। पुलिस ने बताया कि जब महिला ने अपने परिवार के सदस्यों के फोन कॉल का जवाब नहीं दिया तो उन्होंने मुंबई में उसके स्थानीय दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें महिला के फ्लैट पर जाने को कहा। पुलिस के मुताबिक जब परिवार के स्थानीय दोस्त वहां पहुंचे तो उन्होंने फ्लैट अंदर से बंद पाया और घंटी का जवाब भी किसी ने नहीं दिया। बाद में उन्होंने पोवाई पुलिस से संपर्क किया, जिनकी मदद से दूसरी चाबी का प्रयोग कर फ्लैट खोला गया। उन्होंने बताया कि महिला का गला रेता हुआ था और वह जमीन पर पड़ी थी। उसे आनन फानन में राजवाड़ी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया।